हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव की आखिरी शाम बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के नाम रही, जिन्होंने शानदार प्रस्तुतियों से हजारों लोगों का मन मोह लिया। कुमाऊं द्वार महोत्सव में बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल प्रस्तुति देने हल्द्वानी पहुंचे थे, जिनके सुरीले गाने सुनकर लोग झूम उठे। पवनदीप और अरुणिता को सुनने के लिए हजारों लोग MB इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे थे। 7 अप्रैल से शुरू हुआ कुमाऊं महोत्सव का बॉलीवुड स्टार नाइट के साथ ही समापन हो गया। इस दौरान पवनदीप राजन ने कहा कि वह आयोजकों के इस प्रयास से बेहद खुश हैं कि उन्होंने पहाड़ के सभी कलाकारों को एक मंच देने का काम किया है, जिससे कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को दुनिया भर तक पहुंचाया जा सके। पवनदीप राजन ने युवाओं से कहा कि आप भी मेहनत कर मुकाम हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा महोत्सव हुआ और हमें अपने घर में ही परफॉर्म करने का मौका मिला और आप लोग ने मौका दिया कि यहाँ आके आप सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करें। हम बहुत टाइम से इंडियन आइडल के बाद बहुत पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पर अपने घर आने का मौका बहुत देर बाद मिला तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे आज परफॉर्मेंस देके बहुत खुशी हो रही है। और अभी तो मेरी बारी आने वाली है, अभी अरुणिता जी गा रही हैं। और नए उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या संदेश है पवनदीप का? दादा यही है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सबको किसी भी क्षेत्र में है तो प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा लग रहा है उत्तराखंड आके अपने राज्य में। सर मैं तो घर आ रहा हूँ, सोच रहा था शो भी नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि जब बहुत यहीं से जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है सर।